एचपी लेजर 1102 वाईफाई में, यानी कि वाईफाई से डायरेक्टली कनेक्टिंग पे आप जो मांगते हैं लोग यार मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, छोटा पीस हो कि हम रूम से बाहर भी रखे हुए हो तो हम वाईफाई के थ्रू प्रिंट आउट जाए और नॉर्मली पास हो जाए। ये 3-in-1 मशीन है बेसिकली, आप ये देख सकते हैं स्कैनर भी है इसका, ये इसका टोनर की कंडीशन और एपी कंडीशन भी देख सकते हैं। इसकी मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो उसको चल रहा है 32,000 रुपए, और अगर आप वैसे कोई आता है तो उसको मिलेगी 28,000 रुपए की वाईफाई में, 28,000 रुपए वाईफाई में कलर लेजर मशीन। और अगर ये विदाउट वाईफाई होती है तो वो आपको मिलेगी 24,000 रुपए। लैन के भी निकल के डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट करनी है, और राउटर से जो मोबाइल जो पीसी जो लैपटॉप कनेक्ट होंगे उससे प्रिंटर ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। इस छोटे प्रिंटर के अंदर ये खासियत है, और डुप्लेक्स यानी कि आगे पीछे प्रिंटिंग की भी इसके अंदर सहूलत मौजूद है कि आप एक ही बारी में इसमें दोनों तरफ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। एचपी लेजरजेट 1006 एक रिफिल में कम से कम 1000 से 1500 प्रिंट आउट निकालता है। स्पीड में 1 मिनट में तकरीबन 13 या 14 कॉपीज इसकी पास होती है। ये ऑल इन वन है, ADF वाला स्कैनर होता है इसके अंदर कि आपने फ्लैट से डालना है और पेपर आपका स्कैन होकर बाहर आएगा और नीचे से पेपर उठा के आपकी कॉपी पास कर देगा। मार्केट प्राइस वगैरह अगर आप देखें तो इस वक्त 26,000 से 27,000 रुपए इसके चल रहे हैं। ये आप अगर मेरे पास से लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 23,000 रुपए का। HP के लेजर जेट के कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, सारी वरायटी अलहमदुल्ला आपको मिल जाएगी मेरे पास। अदरवाइज अगर रिपेयरिंग के हवाले से या रिफिलिंग के हवाले से कोई आता है तो उसको सारी फैसिलिटीज मेरे पास से मिल जाएंगी। एक रिफिल में वही 1000 से 1500 प्रिंट आउट, और इसकी भी प्राइस है 19,500 रुपए। अस्सलाम वालेकुम आतिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आतिर भाई हमेशा की तरह हमारे व्यूअर्स के लिए आज प्रिंटर में क्या क्या वैरायटी लेके आए? प्रिंटर में वाईफाई में प्रिंटर भी मिल जाएंगे, ऑल इन वन प्रिंटर भी मिल जाएंगे। हमारे पास जैसे 3-in-1 मशीन की रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा, जिसमें वाईफाई होना लाजमी है, वो मशीनें भी मिल जाएंगी हमारे पास। और छोटे प्रिंटर जैसे हर दफा की तरह होते हैं, और छोटे प्रिंटर भी इस वक्त और वैरायटी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह प्राइस कैसे होने वाले? प्राइस हमेशा की तरह आपको पता है रीजनेबल प्राइस ही होंगे कम से कम, और वो मार्केट के हिसाब से। ठीक है, तो आतिर भाई कहाँ से स्टार्ट लेंगे? हम स्टार्ट लेंगे 1006 HP लेजरजेट 1006 एक रिफिल में कम से कम 1000 से 1500 प्रिंट आउट निकालता है। स्पीड में 1 मिनट में तकरीबन 13 या 14 कॉपीज इसकी पास होती है। ये यानी कि छोटा कंफर्ट पीस में आता है ऑफिस के हिसाब से ना, छोटा कंफर्ट पीस में आता है। तो ये समझ लें कि तकरीबन जाना माना मॉडल है 1006। ये इसके प्राइस अभी चलने हैं मार्केट में 21,000 रुपए। ये आपको मिल जाएगा 19,500 रुपए का। 19,500 में? जी 19,500 रुपए का मिल जाएगा। फिर आप आ जाएं 1005 इसी का यानी कि एक तरीके का भाई है। रिफिल इसकी भी वही है, और ये समझ लेंगे क्वांटिटी लेवल भी इसका समथिंग वही है। इसके ऊपर आप अगर जाते हैं तो ये आपका निकालेगा एक रिफिल में वही 1000 से 1500 प्रिंट आउट, और इसकी भी प्राइस है 19,500 रुपए। 19,500 यानी कि 1005 ले रहे हैं, 1006 ले रहे हैं, दोनों के सेम प्राइस है। ठीक है आते हैं इसके बाद कौन से मॉडल? इसके बाद आप आ जाए HP ले जाए 1102। यहाँ तो खैर आपको मेंशन हो रहा होगा HP 1100 शो रहा होगा, लेकिन 1102 मॉडल का होता है ये बेसिकली। ठीक है, यानी कि इसकी मार्केट प्राइस वगैरह अगर आप देखें तो इस वक्त 26 से 27,000 रुपए इसके चल रहे हैं। ये आप अगर मेरे पास से लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 23,000 रुपए का। 23,000 रुपए का? जी ये मॉडल ऐसा है कि जितने भी व्यूअर्स होंगे उनको पहले ही पता होगा कि यानी कि जो कामयाब मॉडल रहा है बिल्कुल 1102 सबसे ज्यादा चलने वाला मॉडल रहा है। और इसके अलावा इसमें रिफिलिंग की अगर आप बात करते हैं तो ये भी वही 1000 से 1500 रिफिल की यानी कि निकालता है प्रिंट आउट एक रिफिल में। और तकरीबन ये समझ लें कि 1005 1006 से ऊपर का मॉडल जो आता है वो 1102 ही आता है। ठीक है, तो इसके रिफिलिंग चार्जेस कितने हैं? इसके रिफिलिंग चार्जेस 1005 के रिफिलिंग चार्जेस 1006 के रिफिलिंग चार्जेस 600 अभी हमारी मार्केट में चल रहे हैं। अगर वीडियो के थ्रू कोई आता है तो उसे लाजमी जाता है कोई ना कोई डिस्काउंट देना है, तो उसके लिए होगा 500 का। 500 रुपए में? जी 500 रुपए में रिफिल हो जाएगा। ठीक है आतिर भाई, इसके बाद कौन सी मशीन? इसके बाद आप आ जाए ऑल इन वन, उसको ये मॉडल है HP लेजर 3050। ठीक है जी, ये मॉडल आपको मिल जाएगा तकरीबन अभी मार्केट प्राइसेस के चलने होंगे 28 से 29,000 रुपए। ये ऑल इन वन है, ADF वाला स्कैनर होता है इसके अंदर कि आपने फ्लैट से डालना है और पेपर आपका स्कैन होकर बाहर आएगा और नीचे से पेपर उठा के आपकी कॉपी पास कर देगा। ठीक है जी, ये उसके ऊपर जो है ये समझ लें कि एक रिफिल में कम से कम 2 से 2500 प्रिंट आउट निकालता है, और इसके रिफिल चार्जेस भी तकरीबन 600 ही चल रहे हैं। अच्छा, और अगर आपके रेफरेंस से कोई आता है तो आपको ये मिल जाएगा 22,000 रुपए का। 22,000 रुपए का ऑल इन वन? ऑल इन वन ADF में होता है, इसलिए उसकी प्राइस उससे लो लेवल पर होते हैं, इसलिए आपको मिल जाएगा 22,000 रुपए का अगर आपकी वीडियो की तरफ से कोई आता है तो। ठीक हो गया आतिर भाई, इसके बाद? इसके बाद आप आ जाए ये HP लेजरजेट 1606DN डुप्लेक्स प्लस नेटवर्क, यानी कि वही नेटवर्क मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आपके पास राउटर की सहूलत मौजूद है, आपने इसकी जो है लैन के भी निकल के डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट करनी है, और राउटर से जो मोबाइल जो पीसी जो लैपटॉप कनेक्ट होंगे उससे प्रिंटर ऑटो कनेक्ट हो जाएगा।
इस छोटे प्रिंटर के अंदर ये खासियत है, और डुप्लेक्स यानी कि आगे पीछे प्रिंटिंग की भी इसके अंदर सहूलत मौजूद है कि आप एक ही बारी में इसमें दोनों तरफ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। आप ये मॉडल देख सकते हैं, कंफर्ट पीस में आता है ये मॉडल और बहुत कम यानी कि मार्केट में अवेल होता है। ये भी मेरे पास है तो मैं आपको ये दिखा दूं। बाकी इसकी भी रिफिल अगर आप देखते हैं तो 1500 से 2000 इसकी रिफिल क्वांटिटी लेवल होता है, और इसकी रिफिल चार्जेस तक 700 है, लेकिन अगर आपके रेफरेंस से कोई आता है तो उसको वही मिलेगी 500 रुपए की, 500 रुपए में 500 में इसके रिफिल चार्जेस होंगे। और इसके प्राइस क्या होने वाले? इसके प्राइस अगर आप मार्केट में सर्च करते हैं तो तकरीबन 30,000 रुपए समथिंग इसका है, अगर आप मेरे पास से कोई आपके रेफरेंस से आता है तो उसको मिलेगा 24,000 रुपए का। बाद आप आ जाए HP LaserJet Pro MFP M28A। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको दो चीजें बता दूं, इसके अंदर अभी ये वाली ए वाली मशीन है, यानी कि ए यानी सिंपल मशीन है, इसके अंदर वाईफाई में भी आती है। जैसे कि लोग बोलते हैं यार कि वाईफाई डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट होकर चले, इसमें कोई राउटर की पंचायत नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट ही अपने मोबाइल से कनेक्ट करें वाईफाई से और इसको प्रिंट आउट दे दें। ये 3-in-1 मशीन है बेसिकली, आप ये देख सकते हैं स्कैनर भी है इसका, ये इसका टोनर की कंडीशन और एपी कंडीशन भी देख सकते हैं। अरे जबरदस्त हो गया यार, ठीक है। इस मशीन के अभी मार्केट प्राइस समथिंग जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं 52,000 रुपए। अगर आपके रेफरेंस से कोई आता है तो उसको ये मशीन मिल जाएगी इस वक्त 45,000 रुपए की, 45,000 रुपए की। और इसमें वाईफाई वाली अगर लेते हैं तो वाईफाई वाली आपको मिल जाएगी तकरीबन 50,000 रुपए की। और हाथी में हमेशा की तरह वारंटी क्या होने वाली है? वारंटी इस वक्त आपको देंगे, वैसे मेरी हमेशा वारंटी 1 महीने की ही चलती है, इस दफा भी 1 महीने की वारंटी होगी, 1 महीने की वारंटी होगी, 1 ईयर चेकिंग वारंटी होगी। इसके अलावा भी यानी कि मशीन लेने के बाद भी अगर किसी को टूनर रिफिल वगैरह सर्विसेज वगैरह सारी करवानी वो भी यहाँ पे अवेल हो जाएगी? बिल्कुल, सब अवेल है, हम सब प्रोवाइड करते हैं सर्विस वगैरह जो भी है सब प्रोवाइड, ठीक है। और इसके अलावा हाथी पे कोई भी हमारा व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ अपना प्रिंटर रिफिल वगैरह करवाना है वो भी आपकी शॉप पे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है यात्री भाई। इसके बाद कौन सी मशीन की तरफ जाएंगे? इसके बाद आप आ गए हैं 130 HP LaserJet 129A। अच्छा, जबरदस्त हो गया है, ठीक है। ऑल इन वन मशीन है हमारी, इसमें भी वाईफाई और नॉन वाईफाई दोनों ही अवेल होते हैं हमारे, सही। इसके अंदर भी यही है कि इसका टूनर थोड़ा सा महंगा होता है रिफिल, इसका टूनर अगर आप रिफिल करवाने जाते हैं मार्केट से 1,000 रुपए का रिफिल होता है, क्योंकि इसके अंदर पाउडर अलग डलता है, इसका बैग अलग आता है। अच्छा, तो ये अगर आप दिलवाते हैं तो ये समझ लें कि यहाँ पे आपको हो जाएगा 700 का रिफिल, और एक रिफिल में कोई 1000 से 1500 कॉपीज निकालेगा ये। इसके मार्केट प्राइस अभी चल रहे हैं 42,000 रुपए वाईफाई में, और अगर शादी लेते हैं तो उसके प्राइस चल रहे हैं 38,000 रुपए। अगर आपके पास रेफरेंस से कोई आता है तो उसमें वाईफाई वाली मशीन मिल जाएगी 38,000 रुपए की, और नॉन वाईफाई मिल जाएगी 32,000 रुपए की। अच्छा, इतना फर्क मिलने वाला? बिल्कुल, इतना फर्क मिलने वाला है, जबरदस्त हो गया यार। आ जाए HP LaserJet 1102 वाईफाई में, यानी कि वाईफाई से डायरेक्टली कनेक्टिंग पे आप जो मांगते हैं लोग यार मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, छोटा पीस हो कि हम रूम से बाहर भी रखे हुए हो तो हम वाईफाई के थ्रू प्रिंट आउट जाए और नॉर्मली पास हो जाए, ये वो पीस है 1102W वाईफाई में, जो मैं इससे पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, वो सादे में दिखाया था, ये वाईफाई में है। ये अगर मार्केट प्राइस की अगर बात करते हैं उसके प्राइस चले हैं 32,000 रुपए, अगर आपके वीडियो की वजह से कोई आता है तो उसे मिलेगा 28,000 रुपए, 28,000 रुपए। इसका भी टूनर लेवल वगैरह वही 1000 से 1500 पेजेस का है, और इसके प्राइस अगर रिफिलिंग के हैं वो 700 मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई आता है तो उसको मिलेगा 500 के, 500 का, ठीक है यात्री भाई। इसके बाद? इसके बाद आप आ जाए HP कलर LaserJet CP2025, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए कलर लेजर मशीन है नॉर्मली, नॉर्मली कलर लेजर मशीन है। इसके आप टूनर लेवल वगैरह भी देख सकते हैं, टूनर लेवल वगैरह भी इसमें सारे काउंट हुए हुए हैं, काउंटर चलता है इसके अंदर पूरा, ठीक है। ये तो ये एक रिफिल में कम से कम आपके लिए प्रिंट आउट निकालती है ये, यानी कि समझ लें 1200 से 1500 एक रिफिल में प्रिंट आउट निकालती है। और अगर यानी कि इसकी स्पीड वगैरह और डुप्लेक्स की बात करें, इसमें डुप्लेक्स भी आता है और प्लस वाईफाई भी आता है इसके अंदर। अगर आपको डायरेक्ट मोबाइल से निकालना है तो वाईफाई भी मिल जाएगा आपको और डुप्लेक्स भी मिल जाएगा आपको इसके अंदर। तो इसके अंदर इसके मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो सब चल रहा है 32,000 रुपए, और अगर आप वैसे कोई आता है तो उसको मिलेगी 28,000 रुपए की वाईफाई में, 28,000 रुपए वाईफाई में कलर लेजर मशीन। और अगर ये विदाउट वाईफाई होती है तो वो आपको मिलेगी 24,000 रुपए, 24,000 रुपए जी, 24,000। अच्छा, तो हाथी भाई अगर इसके पार्ट्स वगैरह की बात करें तो वो इजीली मिल जाते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। इसके बाद हाथी भाई? इसके बाद अगर आप आ जाए तो ये है HP LaserJet 400, ये भी वही मशीन है, यानी कि 20-25 का एक तरीके से भाई बोल रहे हैं बहन बोल रही है मुझे नहीं पता, खैर ये HP 400 है, ये भी टूनर रिफिलिंग में तकरीबन ये समझ लें कि वही आपके निकालेगी प्रिंट आउट 1500 से 2000 के करीब निकालती है एक रिफिल में प्रिंट आउट। और अगर आप इसकी मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो ये भी वाईफाई में आपको पाएगी तकरीबन 25,000 रुपए की, और अगर आप इसे नॉर्मली लेते हैं तो वो आपको पाएगी 24,000 रुपए। अच्छा, 24,000 रुपए की, ठीक है। और टूनर की रिफिल की बात करें तो वही इसका तकरीबन समझ लें कि एक टूनर इसका रिफिल होता है 1500 रुपए में, 4 टूनर होते हैं, 4 टूनर 6,000 रुपए के इसके रिफिल होते हैं, 4 टूनर 6,000 रुपए। हमारा वीडियो देख के आता है उसको क्या फायदा होने वाला है करंट प्रिंटर पे? कलर प्रिंटर पे अगर वो आता है आपकी वीडियो की वजह से तो उसको मिल जाएगा डिस्काउंट, उसको 5,000 रुपए में 4 टूनर रिफिल हो जाएगा, 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, विद चिप।
अच्छा तो हाथी में अगर इस तरह हम लोग सारे प्रिंटर दिखाते रहे तो वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ऐसा ही है। तो हमारे व्यूअर्स का आप एक शॉर्टली बता दें कि जो यहाँ पे विजिट करते हैं तो उसको कौन कौन से प्रिंटर यहाँ पे सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। सर यहाँ पे अगर प्रिंटर के हवाले से आप बात करते हैं तो प्रिंटर के हवाले से ये समझ लें कि यहाँ पे एचपी के लेजर जेट के कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो सारी वरायटी अलहमदुल्ला आपको मिल जाएगी मेरे पास। अदरवाइज अगर रिपेयरिंग के हवाले से या रिफिलिंग के हवाले से कोई आता है तो उसको सारी फैसिलिटीज मेरे पास से मिल जाएंगी। अदरवाइज इंकजेट के हवाले से कोई आता है तो इंकजेट पे वैसे पार्ट्स का थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन अगर कोई इंकजेट के हवाले से भी आता है तो उसको वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और स्कैनर वगैरह भी मिल जाएगा, स्कैनर वगैरह ऑल इन वन मशीन जो भी चाहिए यानी कि एचपी की आपको सब अवेल होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आते हुए हमारे व्यूअर्स को वीडियो खत्म करने से पहले अपनी शॉप का प्रॉपर एड्रेस अपना व्हाट्सएप नंबर गाइड कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03118984233। आतिर अहमद मेरा नाम है, एड्रेस है मेरा एमएजिना रोड सदर G32 जद्दा कंप्यूटर कराची। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई भी आपसे किसी बारे में पूछना चाहता है तो व्हाट्सएप पे क्योंकि असल में मेरे यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होता है, थोड़ा सा नहीं खैर बहुत ज्यादा इशू होता है यहाँ पे नेटवर्क का, तो जिसको भी मुझसे कॉन्टेक्ट करना है वो लिहाजा व्हाट्सएप पे कर ले, क्योंकि बाद से हम लोगों की मेरे पास कंप्लेन आई है यार आप कॉल अटेंड नहीं करते, आपका नंबर ही नहीं लगता। तो सर मसला उसका ये है कि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है और यहाँ मेरा वाईफाई चल रहा होता है यानी कि व्हाट्सएप यूज हो रहा होता है। ठीक हो गया आतिर भाई।